हे गाइस, आई होप कि आप सब लोगों ने शी हल्क का एपिसोड 3 देख लिया होगा। एपिसोड तो काफी छोटा था बट डिटेल्स काफी सारी थी इसमें, तो मैं बात करने वाला हूँ इसके 10 इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जिन्हें आप भी मिस नहीं करना चाहेंगे। निक्की ने यहाँ वॉन्ग की लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन कर रखी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वॉन्ग सोर्स ऑफ सुप्रीम बनने से पहले 9 साल तक कमताज का टारगेट सेल एसोसिएट रह चुका है और 11 साल से लाइब्रेरियन रह चुका है, जो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में देखा था। वॉन्ग यहाँ बोलता है कि अबोमिनेशन को मिरर डायमेंशन या शैडो डायमेंशन में भेज देते हैं। मिरर डायमेंशन तो आप सबको पता ही होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज ने काफी बार क्रिएट की है, बट शैडो डायमेंशन क्या है? शैडो डायमेंशन डार्क डायमेंशन है जहां डोरमामू रहता है। वॉन्ग यहां जेन से कहता है कि मैं दोबारा सबकी मेमोरीज नहीं मिटाने वाला, बट यहां सोचने वाली बात यह है कि मेमोरीज तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिटाई थी। पिछले 2 एपिसोड्स की तरह इस एपिसोड में भी एक क्यूआर कोड है, जिसे स्कैन करके आप एक शी हल्क की कॉमिक बुक फ्री में पढ़ सकते हैं। इस शो में हमें पहली बार लाइट एल्फ देखने को मिले हैं। थॉर रैग्नारोक में हमें डार्क एल्फ देखने को मिले थे, ये एल्फ एल्फहाइम से आते हैं। यहां कोर्ट में वॉन्ग को अपीयर होना पड़ता है, बट कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को कोर्ट में अपीयर होना पड़ा था, क्योंकि कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज सोर्स ऑफ सुप्रीम था, बट यहां वॉन्ग सोर्स ऑफ सुप्रीम है। इस शो में जो एल्फ दिखाया गया है उसका नाम रूना होता है। कॉमिक्स भी एक रूना नाम का कैरेक्टर होता है, बट वो एल्फ नहीं वेलकरी होता है। यहाँ एक रिपोर्टर जेन से पूछते हैं कि क्या उसे उसकी पावर्स माफिया अटैक से मिली थी, क्योंकि कॉमिक्स में कुछ ऐसा ही हुआ था। एक माफिया अटैक में जेन को गोली लग गई थी और ब्रूस को उसे बचाने के लिए उसे ब्लड देना पड़ा था। रूना यहाँ कोर्ट में एसगार्ड इज नॉट अ प्लेस वाला डायलॉग मारती है, जो थॉर रैग्नारोक में ओडिन और थॉर ने मारा था। यहाँ कोर्ट में एमिल ब्लॉन्स्की अबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख के सब डर जाते हैं। ये 1989 की थी ट्रायल ऑफ इनक्रेडिबल हल्क का रेफरेंस था, जहाँ ब्रूस कोर्ट में ही हल्क बन जाता है, जिसे देख के सब डर जाते हैं। रूना रूप बदलने के लिए जो मैजिक यूज करती है, इस मैजिक को हमें लोकी को यूज करते हुए काफी मूवीज में देखा है। लोकी को मैजिक फ्रेगा ने सिखाया था और फ्रेगा को जादूगरों ने पाला, तो हो सकता है कि ये एल्फ वही जादूगर हो। एपिसोड के एंड में 4 लोग जेन पे अटैक करते हैं, जिनके पास एसगार्डियन वेपन्स होते हैं। यही 4 लोग कॉमिक्स में भी है, जिन्हें रैकिंग क्रू बुलाते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट एपिसोड की डिटेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।